हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर अंकित फ्रॉम सेरेफिक डेंटिस्ट्री। इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि डेंटल इम्प्लांट्स को समय से लगवाना क्यों ज़रूरी है, क्या होता है अगर हम इम्प्लांट्स लगवाने में लेट हो जाएं, और क्या अगर हम दांत निकलने के बाद बहुत दिनों तक इम्प्लांट ना लगाएं तो क्या इम्प्लांट लगाए नहीं जा सकते या क्या वो सक्सेसफुल नहीं होंगे। तो आइए जानते हैं कि डेंटल इम्प्लांट्स में टाइमली ट्रीटमेंट कराने की क्या इम्पोर्टेंस है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि इम्प्लांट जो हमारा होता है वो क्या होता है। एक इम्प्लांट हमारा टाइटेनियम का स्क्रू जैसा स्ट्रक्चर होता है, स्क्रू जैसी चीज़ होती है एक टाइटेनियम की, जो कि हमारे जॉ में जहाँ पर दांत नहीं है वहाँ पर लगाई जानी है। तो ये लगाई जानी है हमारे जॉ की बोन में, इसे चाहिए आसपास चारों तरफ बोन एक अच्छी ग्रिप के लिए। अब क्या होता है ना कि हमारी बॉडी की एक टेंडेंसी है जो कुदरती तौर पर है कि शरीर के हमारी बॉडी के जिस भी हिस्से को हम कम यूज़ करते हैं या नहीं यूज़ करते हैं वो टाइम के साथ में छोटा होता जाता है, श्रिंक होता जाता है। जैसे कि आप ये मान लें कि हम जिमिंग करते हैं, तो हम जिम जा रहे हैं, हम एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो हमारी मसल्स अच्छी डेवलप हो रही हैं, वॉल्यूम बढ़ रहा है। जिम जाना छोड़ दिया तो अब क्या होगा कि जो वॉल्यूम मसल्स का बढ़ गया था वो वापस श्रिंक होने लगेगा। क्यों? क्योंकि अब उनसे उतना काम नहीं लिया जा रहा जितना कि जब जिम जाते थे तब लिया जाता था। ऐसा ही मैकेनिज्म हमारे जॉ में भी है। हमारे जॉ में जो भी हम चबाते हैं, जो भी हम खाते हैं, वो हम उसका जो लोड है, जो प्रेशर है, वो हमारे दांतों से हमारे जॉ तक जाता है। अल्टीमेटली हमारे चबाने का प्रेशर कौन लेता है? हमारा जॉ, हमारा जबड़ा। किसके थ्रू? हमारे दांतों के थ्रू। अब जॉ के जिस हिस्से में दांत नहीं है वहाँ पर उस हिस्से की बोन को कोई भी लोड या प्रेशर नहीं आ रहा। आजू बाजू के दांत को तो आ रहा है, बट जहां पर दांत नहीं है वहां पर कोई भी प्रेशर उस जॉ को, कोई भी लोड उस जॉ के उस हिस्से को नहीं मिल रहा। तो वहां की जो बोन है उसको कोई काम नहीं करना पड़ रहा, तो धीरे धीरे वो श्रिंक होने लग जाती है। इसे मेडिकल टर्मिनोलॉजी में हम डिसयूज एट्रॉफी कहते हैं कि जिस हिस्से की यूज नहीं हो रही वो एट्रॉफी होती जा रही है उस हिस्से की, मतलब कि वो वॉल्यूम में कम होता जा रहा है। तो इसका इम्प्लीकेशन हमारे इम्प्लांट्स पर यह है कि जहाँ से किसी पेशेंट का दांत निकल जाता है, अब कुछ महीने, कुछ साल तक अगर वहाँ पे दांत नहीं लगाया जाता तो वहाँ पर कोई प्रेशर नहीं जाता, तो वो हिस्सा हमारे जॉ की हड्डी का, जॉ की बोन का श्रिंक होता जाता है। अब जब वो श्रिंक होता जाता है तो फिर वहाँ पर इम्प्लांट लगाना उतना ही मुश्किल होता जाता है, क्योंकि हमें अगर इम्प्लांट के ऊपर लोड देना है हमारे चबाने का, हमारे ऑक्लूजन जिसको हम कहते हैं, हमारी च्यूइंग का, तो एक डेफिनेट साइज़ का इम्प्लांट हमें वहाँ पर चाहिए जो वो लोड को बेयर करने की कैपेसिटी रखता हो। अब अगर उससे वहां पर उतनी बोन ही नहीं है तो इम्प्लांट लगेगा कैसे? तो इसलिए वहां पर हमारे इम्प्लांट की क्वालिटी, उसकी साइज, डायमेंशन, स्ट्रेंथ कॉम्प्रोमाइज होती है अगर हम बहुत लंबे समय तक दांत निकले हुए हिस्से में इम्प्लांट नहीं लगवाते। तो क्या इसका मतलब ये निकाल लूँ मैं कि जहाँ ऐसा हो गया, मान लीजिए किसी ने 10-15 साल पहले दांत निकलवाए थे और आज अब वो चाहते हैं कि इम्प्लांट लगवाएं, तो क्या इम्प्लांट नहीं लग सकते? या सालों साल पहले किसी के दांत निकले हुए हैं तो क्या अभी ट्रीटमेंट सक्सेसफुल नहीं हो सकता? ऐसा नहीं है। हम इस ट्रीटमेंट को कर तो अब भी सकते हैं, सब कुछ हो जाता है, लेकिन इसकी ट्रीटमेंट की कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती है। अब हमें क्या करना पड़ता है कि हमें इसमें आर्टिफिशियल बोन ग्राफ्टिंग प्रोसीजर्स पे रिलाई करना पड़ता है, जहाँ पर बोन हम लूज कर चुके हैं, जिस जगह पर वी हैव लॉस्ट आवर नेचुरल बोन, नाउ इन दैट प्लेस वी नीड टू यूज बोन ग्राफ्ट्स। अब उस जगह पे हमें बोन ग्राफ्टिंग का सहारा लेना पड़ता है। बोन ग्राफ्टिंग मतलब कि या तो पेशेंट के ही शरीर के किसी और हिस्से से नेचुरल बोन को निकाल करके यहाँ पर लगाना, या फिर आर्टिफिशियल बोन पाउडर्स यूज़ करके इस हिस्से में बोन को डेवलप करना। इन दोनों ही तरीके से हम देखें तो इसमें ट्रीटमेंट की कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती है, नंबर ऑफ अपॉइंटमेंट्स, नंबर ऑफ सिटिंग्स बढ़ जाते हैं। ऐसा नहीं है कि लेट होने पर इम्प्लांट नहीं कर सकते, इम्प्लांट तो हम कर सकते हैं, लेकिन हम जितना जल्दी इम्प्लांट करते हैं दांत निकलने के बाद उतना हम कम कॉम्प्लेक्स तरीके से उसको अंजाम दे पाते हैं, एग्जीक्यूट कर पाते हैं, और उतना अच्छा आउटपुट हमें मिलता है। तो जो हमारी पुरानी घरेलू कहावतें हैं कि जब जागो तब सवेरा, कि जिस भी दिन हमें याद आ जाए कि हमें दांत लगवाना है फिर उसके बाद उसमें लेट नहीं करना चाहिए, एक बात तो ये। दूसरी बात ये कि ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि अभी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है तो चलने दें, कुछ साल बाद जब हमें लगेगा कि दांत लगाने हैं तब हम लगाएंगे।
तो उस कंडीशन में ये होता है कि फिर हम एक अच्छा गोल्डन टाइम पीरियड, जिसमें कि बहुत अच्छी क्वालिटी के, बहुत अच्छी साइज के, अच्छे डायमेंशन के इम्प्लांट आसानी से लग सकते थे, बिना किसी कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर को करे लग सकते थे, बिना किसी एडिशनल बाहर की बोन का, हड्डी का सहारा लिए बिना हो सकता था। अब हम ये चीज़ें लेट करके इन चीज़ों को न्योता देते हैं और हमारी ट्रीटमेंट की कॉम्प्लेक्सिटी उससे बढ़ जाती है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आज का मेरा ये टॉपिक आपको समझ में आया कि डेंटल इम्प्लांट्स कराने में टाइमली ट्रीटमेंट कराने की, समयबद्ध तरीके से इसका ट्रीटमेंट कराने की क्या इंपॉर्टेंस है, क्या महत्व है। इस बारे में अगर आप और अधिक कोई जानकारी चाहते हैं तो नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट छोड़ सकते हैं और हमारे चैनल पर और वेबसाइट पर और जानकारी पा सकते हैं। थैंक यू।